العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي हफ्तावार दरस कुरान जिसमें इमरान की वार आयात को समझने का सिलसिला जारी था और इन शवल आज आयत नंबर इक्कीस से लेकर अट्ठाईस तक की आयात को शामिल दर्स करेंगे परवर सूरह आले इमरान की आयत नंबर इक्कीस में इरशाद फरमाता है वो लोग जो अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं वे वयकतुलून नबीजीन बगैर हक और नाहक अंबिया को कत्ल करते हैं वे वयकतुलून लदीन या मुरून बिलकिस्त मिनन्नास और उन लोगों को भी कत्ल करते हैं जो इंसाफ का लोगों में हुक्म देते हैं जो नेकी का हुक्म देते हैं और अच्छी जो बात करते हैं उन्हें भी कत्ल करते हैं अलीम। दर्दनाक आजाब की खुशखबरी सुना दीजिए बल आखरा ये वह लोग हैं कि जिनके अमाल दुनिया और आखरा दोनों में बर्बाद हो गए वमा बिन नासन और इनके लिए कोई मदद करने वाला नहीं इन दो आयात में अल्लाह तबारक वाले यहूदियों का वो हाल बयान किया जिन्होंने अपने अम्बिया कराम को शहीद किया और न सिर्फ ये अम्बिया को तो शहीद किया एक बहुत बड़ा जुर्म है नबी की गुस्ताखी जुर्म और कत्ल कर देना ये तो बहुत बड़ा जुर्म है एक आम मुसलमान का कत्ल कितना बड़ा जुर्म है कि उसके बारे में हमारे कुरान में इरशाद होता है वमई अकतुलमिन मुतन फजा जहन्नम जो किसी मोमिन को जान मोछ कर कतल करे तो उसकी जजा जहन्नम है तो जो नबी को कतल करे तो उसकी सजा क्या होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं अल्लाह ताला की नाराजगी तो इन लोगों ने जो शायद इंसान कहलाने के भी लायक ना रहे जिन्होंने नबियों को अल्लाह के नबियों को और अल्लाह के रसूलों को और अल्लाह के अंबिया को शहीद किया और अल्लाह की आयतों को झुटलाया इस सिर्फ इसलिए कि ये नबी वो बात करते हैं जो हमारे मिजाज के मुताबिक नहीं है जैसा हम चाहते हैं वैसी नहीं है हमारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं है जो हम चाहते हैं वो ये नहीं मानते ये भूल गए कि ये अल्लाह के भेजे हुए हैं ये खुदा के भेजे हुए हैं उस खुदा के भेजे हुए हैं कि जिस खुदा ने तुम्हें पैदा किया और तख्लीक किया है जो तुम पर रहम करने पर कादिर है और तुम तुम्हें अजाब देने पर भी कादिर है उसके भेजे हुए नबियों को कत्ल किया और ना हक बिगैर और फिर उसके बाद एक जमात उठी और उस जमात ने समझाना चाहा तो उस जमात को भी कत्ल किया दर्दनाक आजाब की खुशखबरी सुना दे कि इनके लिए आजाब नहीं बल्कि दर्दनाक आजाब है और दुनिया और आखरत में इनका अमल बर्बाद है क्योंकि जो नबी से गुस्ताखी करे इनके अमल दुनिया में भी बर्बाद है और आखिरत में भी बर्बाद है यानी इन्हें इनके अमल का सिला ना दुनिया में मिलेगा ना आखरत में मिलेगा कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको उनके अमल का सिला दुनिया में भी अल्लाह अता करता है आखरत में भी अता करता है कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आखरत में तो उनका सिला नहीं मिलता मगर दुनिया में उनकी भलाइयों का सिला अल्लाह दुनिया में ही उनको दे देता है मगर ये इतने बड़े मुजरिम हैं कि अल्लाह ताला इनकी कुछ अगर अच्छाइयां हैं भी तो उसका सिला ना अल्लाह इन्हें दुनिया में देगा ना आखरत में देगा और इनका कोई मदद करने वाला नहीं है इसके बाद इरशाद होता है नसीबम किताब ये दाऊन अला किताबी हूं

जिन्हें तौरात दी गई जिन्हें इंजील दी गई और अगर ख़ास बात करें यहूद की कि जिन्हें तो दी गई और तोरैत का जब एक हिस्सा दिया गया उसके बाद दूसरा हिस्सा दिया गया तो पूरी किताब पर ईमान लाना इनके लिए ज़रूरी था ना जब ये किताब इन पर नाजिल हुई मगर इन्होंने उन बातों को माना जो इनके मिजाज के मुताबिक थी मगर जो नबी आखिर जमान साल वसलम के हवाले से जो बात थी या वो अहकाम जो इनकी तबीयत को अच्छे नहीं लगते थे तो उन अहकाम को इन्होंने पसे पुष्ट डाल दिया और उन्हें ना माना कुरान कह रहा है नसीबिन किताब के आपने ना देखा कि जिन्हें किताब का एक हिस्सा मिला यू दाऊन अला किताबल और इन्हेंताबुल्ला किताब की तरफ बुलाया जाता है तो किताबुल्ला है कुरान भी किताबुल्लह है तो वो तो का हिस्सा इन्हें किताबुल्ला यानी कुरआन की तरफ बुलाता है या तो का हिस्सा दूसरे तौर के हिस्से की तरफ बुलाता है लिया कुमीनाकिरमान फैसला हो तबल्ला फिर भी इनमें से एक फरीक एक ग्रोह ऐसा है कि जो मुंह फेर कर भाग जाता है वह एराज करने वाले इस आयत के शानजूल यह है कि जब सरकार तहूद की एक जमात आती है और कहते हैं कि खैबर के मौके पर गजब खैबर के मौके पर एक शख्स ने एक औरत से जिना कर लिया एक आदमी ने एक औरत से जिना कर लिया और इनकी किताब में हुक्म यह था तो रैत के अंदर हुक्म यह था कि अगर शादीशुदा मर्द शादीशुदा औरत से जिना करता है तो इन्हें संसार किया जाएगा यानी इतने पत्थर मारे जाए कि ये हलाक हो जाए इनका इंतकाल हो जाए ये हुक्म इन्हें बड़ा भारी लगा तो ये सरकार तो आलम सल्लाम के पास आए कि आप फैसला कीजिए चूंकि अब खैबर फतेह हो चुका है और आपकी हुकूमत चलेगी तो आप फैसला कीजिए बताइए कि हमारे यहाँ एक मर्द ने एक औरत से जिना किया इसकी सज़ा किया है तो नबी पाक सल्लल्लाहु सल्लाम ने इर्शाद फरमाया कि इसकी सजा संसार करना है इतने पत्थर मारो कि ये हलाक हो जाए तो ये कहने लगे कि आपने हम पर म ज्यादती की इतना सख्त हुक्म हमारे दीन में तो नहीं था तो आप सलातुअल ने इर्शाद फरमाए कि ठीक है अपनी किताब उठा के ले आओ तो उठा के ले आओ तो इन इन्हीं की किताब तो रैत लाई गई और एक यहूद के आलिम ने उसकी किराज शुरू की उसको पढ़ना शुरू किया और वो पढ़ते पढ़ते जब आयत रजम तक पहुंचा तो आयत रजम में तो यही लिखा था क्या लिखा था आयत रजम में यही बात लिखी थी कि संसार किया जाएगा कि जो मर्द औरत से जिना करे और शादीशुदा हो तो उसको संसार किया जाएगा तो उस यहूद के आलिम ने यह तौरात की तलावत करते करते जब उस आयत पर पहुंचा तो इस हिस्से की तिलावत नहीं की और उस पर हाथ रख लिया और ये तिलावत करने वाला तौरात पढ़ने वाला जो शख्स है वो अब्दुल्ला बिन सूर्या था उसने हाथ रख दिया और उस हिस्से को छोड़ दिया तो अब्दुल्ला बिन सलाम उठे और उन्होंने उसका हाथ उठाया और हाथ उठाकर उस हिस्से की उस आयत की तिलावत की जो तो के अंदर मौजूद थी तो यहूदी इस हरकत पर जरिए हुए और बिल आखिर फिर उस औरत को और उस मर्द को रजम किया गया, उन्हें किया गया। तो दीन इस्लाम के अंदर जो अहकाम है वो सख्त नहीं है बल्कि वो देखा जाए तो माशरे के अंदर एक निज़ाम को नाफिज करने के लिए बेहतरीन असूल अल्लाह ने अता फरमाए हैं और पिछली किताबों में भी इस तरह के उसूल मौजूद थे मगर वो उन उसूलों से रू गिरदानी करते थे और फिर नतीजा आपके सामने इसके शान एक और बयान किया गया अब्दुल्ला बिन अब्बास ताला कहते कि जब नबी पाक सल्ला एक जगह तशरीफ लाए और यहूदियों को दीन की दावत दी इस्लाम की दावत दी तो यहूदियों ने कहा कि आप कौन से दीन पर हैं सरकार ने निशाद फरमाए कि मैं या हम दीन इब्राहिमी पर है मिलत इब्राहिम पर है वो कहने लगे कि हज़रत इब्राहिम तो यहूदी थे तो आप सल्हम ने इशाद फरमाया कि तौरात लाओ तो वो तौरात ही हमारे और तुम्हारे दरमियान फैसला हो जाएगा तो वो तौरात ना लाए बल्कि भाग खड़े हुए फरार हो गए और कोई उन्होंने जवाब ना दिया ये आयत हासिल हुई क्या किताब क्या आपने इनको ना देखा कि जिन्हें किताब का कुछ हिस्सा दिया गया और जब इन्हें अल्लाह की किताब की तरफ बुलाया जाता है लिया कुम बुम ताकि इनके दरमियान फैसला करे तब मिन तो फिर इनमें एक ग्रोह ऐसा है जो बेरुखी करते हुए मुंह फेर कर भाग खड़ा होता है फरार हो जाता है ये तो इनका हाल है और ये ये जो इनकी हालत हुई है के आयतों को बदल देते हैं आयतों में तहरीफ करते हैं आयतों को छुपाते हैं अपनी किताब में तौरात में मौजूद बातों पर भी ईमान नहीं लाते या उसको मानते नहीं हैं या उस पर अमल नहीं करते ये हाल इनका क्यों हुआ ये इसलिए हुआ जी कभी हम क़ालू ये इसलिए हुआ कि ये कहते थे इनके अंदर एक कहावत मशहूर थी इनमें एक बात मशहूर थी इनमें एक मिसाल मौजूद थी जो इनके ख्यालात थे जो इन्होंने अपने इनके बड़ों ने इनके छोटों के वो ख्याल बना दिए थे और वो ख्याल क्या थे लन कि हमें तो आग थोड़े दिनों के लिए छुएगी लन हमें आग नहीं पहुंचेगी थोड़ेगीवाय मादुदात यानी चंद दिन तो हमें अगर हम कुछ गलतियां करते भी हैं हम आयतें छुपाते भी हैं हम आखिरी नबी पर ईमान नहीं भी लाते हम आयतों को बदल देते हैं हम पैसे वालों के लिए दीन के हकाम बदल देते हैं तो हमारी गलतियां कसूर हैं यह यहूद का समझना था मगर इसकी वजह से होगा क्या लन तमसर नारू अम थोड़े दिनों का आजाब आएगा और उसके बाद छुट्टी तो इस कॉन्सेप्ट ने उनको गुनाह करने पर जरी कर दिया था वो जरूरत के साथ गुनाह करते थे कि कुछ नहीं होता जाने दो क्यों इसलिए कि हम यहूद और अल्लाह ताला यहूद पर बड़ा मेहरबान है अल्लाह ने यहूदियों पर इतने सारे नबी भेजे हैं बनी इसराइल पर इतने नबी आए हैं तो भला हमें कैसे आजाब हो सकता है तो हम पर अजाब नहीं होगा अगर हम पर अजाब हुआ भी तो वो थोड़े दिनों का होगा तो इस मगफरत की उम्मीद ने उन्हें गुनाहों पर जरी कर दिया था और इमाम गजाली रही फरमाते हैं कि यही हाल आज मुसलमानों का है तो मुसलमानों का क्या हाल कि बास तकरीरों ने बास बयानात ने उम्मीद दिला दिलाकर दिला दिलाकर दिला दिलाकर दिला दिला और लोगों का यह हाल कर दिया कि अब बस ये कॉन्सेप्ट बन गया कि अल्लाह तला बड़ा गफूर और रहीम है वो बख्श देगा वो माफ कर देगा अगर वो माफ़ कर देगा तो उसकी जन्नत में कोई कमी नहीं आएगी अगर वो हम सबको भी जन्नत में दाखिल कर दे तो उसकी जन्नत में बाल बराबर भी कमी नहीं आएगी बेशक लेकिन फकत उम्मीद 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 तो खौफ कहाँ है मोमिन तो वो है जो खौफ और उम्मीद के दरमियान होता है अगर बंदा उम्मीद लगा के बैठा रहे कि जनाब मैंने जिंदगी में अपना ये गोल मुकर किया कि मुझे लाखों दिरहम कमाने हैं मुझे मिलियनर बनना है और हाथ पर हाथ धरा बैठा रहे के बस उम्मीद है बस कल अच्छा हो जाएगा सब अच्छा हो जाएगा एक साल में सब बेहतरीन हो जाएगा करे कुछ भी ना तो मुझे बताइए क्या वो कभी जिंदगी में अमीर हो सकता है नहीं हो सकता बल्कि भूखा मर जाएगा जबकि वो कोशिश अगर नहीं करेगा तो अल्लाह तबारा का वाली ने सोच दी है समझ दी है काम करने का मौका दिया है तो करना पड़ता है अमलन कुछ ना कुछ करना पड़ता है इसी तरीके से उम्मीद जरूर है कि अल्लाह तबारक का वाल मफफरत फरमाएगा और यकीन उसकी रहमत से ही हम बख्शे जाएंगे मगर जितना हम करने के मुकलफ़ हैं वो तो करना है वो तो परवरदिगार ने हमें करने का हुक्म दिया है वो काम तो हमने करने हैं उम्मीद लगा लेना कि मफफरत हो जाएगी खानदान में कोई ना कोई तो हाफिज है बख्शवा देगा कोई ना कोई आलम बख्शवा देगा सरकार तो आलम सल की तो शफात है ही गुनागारों के लिए तो छोड़ो फजर में उठने की क्या जरूरत है तो आप अली सलाम ने यह भी तो फरमाया कि जो घरों में नमाज़ पढ़ते हैं मेरा जी चाहता है कि मैं उनके घरों को आग लगा दूँ तो वो बातें हमें याद नहीं रहती फ़क्त उम्मीद पर जो है हम अपनी मगफरत की बुनियाद रख देते हैं इमाम गजारी रमत ने सदत के अंदर इसका रद्द फरमाया और कहा कि ये हाल नहीं होना चाहिए वग़र रहूम फीदी हिम माकानो यफरून उनके दीन के बारे में धोखे में डाला हुआ है मन गणत मन गत बातों ने उन्हें दीन के बारे में धोखे में डाला हुआ है वग़ैरह उन्हें धोखे में डाला हुआ है उनके दीन के मामले में माँ कानू यफ्तरून जो कुछ वो इफ्तरा करते हैं जो कुछ वो झूठी बातें करते हैं वो झूठी बातें कर कर के हाँ सब ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा ये यहूद का और अहल किताब का हाल था जिसकी वजह से वो गुनाहों पर जरी हो गए थे तो खुदा न खास हमारी भी ये कैफियत ना हो जाए कि तोबा की उम्मीद पर मकफ़रत की उम्मीद पर जन्नत में जाने की उम्मीद पर रब की रहमत की उम्मीद पर हम गुनाह करते चले जाए ये सोच करके जनाब कुछ नहीं होता तो ये अंदाज और ये तरीका अहल ईमान का नहीं है अहल ईमान का क्या तरीका है कि सरकार जिनके सदक़े हजारों लाखों करोड़ों लोगों की बख्शिश होनी है आपों को उठ उठ कर तहजुद की नमाजें अदा करने के साथ साथ गिरिया उजारी फरमाते थे दिन में कई बार इस्तार करते थे इतना क्याम करते थे कि पैरों में वर्मा आ जाता था रोज़े रखा करते थे जिहाद किया करते थे और हर नेक काम अल्लाह तबारक व ताली की रहमत से आप किया करते थे और लोगों को उसका कहा करते थे और तरगीब दिलाया करते थे तो ये इस तरह की बातें कि रहमत ही रहमत है यकीन रहमत है मगर इसकी वजह से धोखे में नहीं आना चाहिए आगे इर्शाद होता है फकई फईदा जमाउ पहले तो आपने सुन लिया ना कि उन्होंने कहा हमें थोड़े दिन आग छुएगी और उसके बाद कुछ भी नहीं होगा वगर माकानूम और वो अपने दीन दीन के मामले में वो धोखे में है इर्शाद होता है फकई फईदा जमा वो कैसा दिन होगा फ़कई फीदा जमा अना हम जब हम इन्हें जमा करेंगे लिया उमिन उस दिन जमा करेंगे ला रही बफी जिस दिन के आने में कोई शक नहीं है अल्लाह तरमा रहा है वो दिन कैसा होगा जरा सोचो कैसा दिन होगा कि जिस दिन हम लोगों को जमा करेंगे वह दिन कैसा होगा वीयन वह और हर जान को उसका पूरा पूरा अमल उसका पूरा पूरा अजर दिया जाएगा जो काम उसने किया है वो उसे दिया जाएगा वह लाई और किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा तो वो दिन कैसा होगा जिस दिन के आने में कोई शक नहीं और हम जमा करेंगे यहूद को भी नसारा को भी मुसलमानों को भी जो बुध परस्त है उनको भी काफिरों को भी मुसलमानों को भी जालिमों को भी मजलूमों को भी सबको एक ही मैदान में हम जमा करेंगे और उसके बाद वो दिन यउमुल हिसाब होगा एक एक से अल्लाह तबारक का वा वाल हिसाब लेगा एक एक से और हर हर नेमत के बारे में उस दिन हर के बारे में सवाल होगा और कहीं इर्शाद होता है कि जब कयामत कायम होगी तो जमीन अपने राज उगलेगी जो कुछ जमीन में वो सब बाहर आएगा कि मुझ पर ये काम भी हुआ है ये काम भी हुआ है फला ज्यादी भी हुई है फला गुना भी हुआ है और हर हर बात जो है वो जमीन बता रही होगी

और उनके पैर गवाही देंगे बीमा कानू जो कुछ वो किया करते थे वो कैसा दिन होगा जिस दिन यह सब हाल हो रहा होगा कि हजारों लाखों करोड़ों अरबों दुनिया में जितने लोग आज तक पैदा हुए और होंगे सब के सब एक ही मैदान में एक ही हाल में जमा होंगे और पसीने में डुबकियां खा रहे होंगे और जब सवालों जवाब का सिलसिला होगा और जहां बंदा रू गिरदानी करेगा और झूठ बोलेगा उसकी जबान पर मोहर लग जाएगी और उसके हाथ बातें कर रहे होंगे और उसके पैर गवाहियां दे रहे होंगे उस वक्त बंदा क्या करेगा तो डरना चाहिए अपने रब अज्जाजल से खास कर जब कभी गुनाह की तरफ जाने लगे तो ज़्यादा डरना चाहिए कि अगर इसी बात इसी बारे में पूछ लिया गया तो मेरा बनेगा क्या अगर अल्लाह तला ने मुझसे पूछ लिया कि जवानी किस काम में गुजारी क्या जवाब दूंगा या ये पूछ लिया कि माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया क्या जवाब दूंगा कभी कमाते हुए आपको लगता होगा कि बड़ी आसान डील है बस इतना सा झूठ बोलना है इतना से से इतनी सी बात को यहां से यहां करना है और पचास हजार द्रम का चालीस हजार द्रम का फायदा हो जाएगा या एक लाख द्रम का फायदा हो जाएगा मैं कहता हूं मिलियंस का भी फायदा अगर होता हो मगर रब नाराज होता हो तो लानत है ऐसे पैसे पर जिससे रब नाराज होता हो तो बाजत हमें कारोबार करते हुए ऐसे मवाक नजर आते हैं कि हम थोड़ी सी हेरा कर कर ज्यादा कमा सकते हैं मगर हिसाब कैसे देंगे और याद रखिए कि हिसाब तो हलाल पर है हराम पर तो आजाब है जो हराम कमाया उस पर तो सीधा सीधा आजाब है अल्लाह तबारा का वाले जो हिसाब लेगा वो तो हलाल का हिसाब लेगा तो आज हलाल हराम की तमीज खत्म हो गई है और याद रखिए जो मैंने आपको कयामत के सवाल बयान किए ये ऐसा नहीं है कि किसी किसी से होंगे बल्कि हर उस शख्स से जो कयामत के मैदान में आएगा जिस पर अल्लाह ताला करम फरमाया अलग बात है मगर जो किताबों में लिखा है कि उस दिन हर एक से सवाल होगा नमाज के बारे में सवाल होगा और ये जरूर सवाल होगा कि माल कहाँ से कमाया कहाँ खर्च किया जवानी किन कामों में गुजारी और अपने इल्म पर कहाँ तक अमल किया ये चार सवालों के जवाब जब तक बंदा ना दे दे वो जमीन से उस ज, जहां वो खड़ा है वहां से पैर भी नहीं हिला सकेगा अल्लाह पर अपना करम फरमाए और हमें नबी पागल सलाम की शफात नसीब फरमाए तो जो यहूद बातें करते हैं कि कुछ नहीं होगा तो अल्लाह फरमाते हैं फ़कई फैदा जमा तो वो कैसा दिन होगा जिस दिन में कोई शक नहीं है हम जमा करेंगे और हर जान को पूरा पूरा बदला मिलेगा जो जो नकिया किए हैं वो तुमको पूरा पूरा उसका अजर मिलेगा किसी पर म नहीं किया जाएगा मगर जो गुना किए हैं उसके बारे में भी अल्लाह तबारक का वाले बस पुरुष फरमाएगा

ने चाह तो ये आपको ये आयत इज़्ज़तें भी अता करेगी जिसको ऐसा लगता हो ना कि मेरी कोई इज़्ज़त नहीं है मेरी कोई वैल्यू नहीं है वो ये आयत याद कर ले मफहूम के साथ के, के ही जमी सारी की सारी इज्जतें अल्लाह के लिए और वो जिसे चाहता है अता फरमाता है इर्शाद होता है फरमा दीजिए मुल्क के मालिक बादशाहों के बादशाह बादशाहत के मालिक तो तिल मुल्क का मंतशा तो बादशाहत अता फरमाता है जिसे चाहता है वतन वत्याल मुल्क का मिम मंतशा और जिससे चाहता है बादशाह छीन लेता है वह तो इज़्ज़ु मंतशा और जिसे चाहता है इज्जतों से नवाज देता है वह तो जिलु मंतशा और जिसे चाहता है जलील तो कर देता है बी खैर तेरे हाथ ही खैर है

सरकार ने गजवा खंदक के मौके पर जब आप वसल्लम ने दस दस लोगों के एक एक छोटी छोटी जमात बनाई और सबके तकरीबन चालीस चालीस गज का एरिया दिया था खुदाई करने के लिए कि वो इसे खोदे हजवा खंदक का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मदीना मनवरा में एक खंदक खोदी गई थी मदीना मनवरा के बाहर या मदीना मुनवरा के दरवाजे पर एक खंदक खोदी गई थी ताकि मुसलमान अंदर महफूज रहें और यह हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तु का मशवरा था जंग की बेहतरीन तदबीर थी तो खंदक खोदते हुए अचानक एक ऐसा पत्थर आ गया कि वो पत्थर किसी से भी ना टूटता था सरकार तो आलम सल्लम के सामने ये मामला पेश हुआ तो आप कुदाल लेकर उस पत्थर को तोड़ने के लिए तशरीफ़ लाए और जब पहली ज़रब लगाई तो वहां से नूर निकला और आप सल्ला ताली वल वसलम ने एक ऐसी रोशनी निकली कि उस रोशनी में नबी पाक सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम ने मुल्क फारिस के महल्लात को देख लिया फिर एक और ज़रब लगाई तो फिर सना के महल्लात को आप सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम ने देख लिया और तीसरी ज़रब लगाई तो वह पत्थर टूट गया और रेजा रेजा हो गया और आप सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम ने मुसलमानों को खुशखबरी दी कि मेरी उम्मत को ये तमाम फतूहत मिलने वाली है मुल्क शाम मुल्क फारिस ये मुसलमानों को मिलने वाले हैं तो मुनाफिक मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि मदीने में इनसे अपने तो संभले नहीं जा रहे जंग करने की इनमें ताकत है नहीं और ये खंदक खोद कर अपने आप को महफूज कर रहे हैं और बातें देखो इनकी सारी दुनिया पर बादशाहत की बात करते हैं तो अल्लाह तबारक व ने सूर आमरान की आयत नाजिल फरमाई

जिनको बादशाहते बादशाहतें हुई, मगर एक वक्त आया के सब कुछ ख़त्म हो गया क्या फिर की बादशाहत नहीं देखी या नहीं सुनी मगर हाल क्या हुआ वतन जलमुल का मन जब चाहता है छीन लेता है जब चाहता है उतार लेता है वह तो तो्ज्ज मंतशा और जिसे चाहता है इज्जत अता फरमाता है वह तो झुलुमंतशा और जिसे चाहता है जलील कर देता है बेदिकल ख़ैर तेरे हाथ तेरे दस्ते कुदरत ही खैर है इन न कुल कुल्ल क़दीर बेशक तू हर शह पर कादर है तो मैंने इब्तदान ये अर्ज किया था इस आयत की शर इस आयत की वजाहत से पहले कि अगर किसी को लगता है कि मुझे कोई भाव नहीं डालता मुझे कोई पूछता नहीं है मेरी कोई इज्जत नहीं है तो भाई इज्जत हम कौन से घर से लेकर आए हैं यह इज्जत है ही कब इंसान तो मिट्टी से बना है और मिट्टी के अंदर तो इज्जत है इज्जत तो सारी अल्लाह की है जिसे चाहे अता करे हाँ अगर तुम इज्जत चाहते हो वजाहत चाहते हो अपनी कदर और कीमत चाहते हो तो अल्लाह ताला से लॉ लगाओ अल्लाह की बारगाह में अर्ज करो इन इज्जत जमी मौला सारी की सारी इज्जतें तेरे लिए ही है परवर दिगार तू करम फरमा और मुझे अजीज कर दे मुझे इज्जत अता कर दे तो मेरा रब चाहेगा तो अता फरमा देगा जब बंदा रब से लॉ लगा लेता है तो अल्लाह तला उसको जरूर अता फरमाता है और जब वो ये आयत पढ़े वह तशा मौला जिसे चाहता है इज्जत अता फरमाता है परवरदि मुझ पर भी करम फरमा और जब ये कहे वह तो दिल में ये दुआ करे कि मौला हमें जिल्लतों से हमेशा बचा कर रख जो इज्जत अता की है वो हमेशा कायम रहे बल्कि बढ़ती रहे और ज़िल्लों से हमेशा बचा मगर इन इज्जतों के पसे पर्दा कहीं तकबर ना हो मौला तकबर से भी बचा क्योंकि तू तक मुतकबरीन को पसंद नहीं करता इन नक कदीर बेशक तू हर शेय पर कादिर है तो आयत नंबर छब्बीस तक का दर्स आज हो सका मजीद आयात को इन अगले दरस में शामिल करेंगे अल्लाह तबारक व ताल नूर क़ुरान से हम सब के सीनों को मुनवर फरमाएं और हमारी गलतियों को अल्लाह तबारक व ताली माफ़ फरमाए हम सब का हामी और नासिर हो जो आयात हमने पढ़ी और समझी हैं अल्लाह इसका फैज़ान और नूर हम सब को नसीब फ़रमाए आमीन बिजाह नबी लमीन सल्लही वसलम अलफात

तमाम अम्बिया करामब कर सहबियातवा तमाम बुजुर्गों को पेश करते हैं कबुल फरमा खसूस जिनका इन्हीं दिनों इंतकाल हुआ हमारे साथ दर्श में शरीक होने वाले इनके आबाओ अजदाद इनके बहन भाई इनके अजवाज इनमें से जिन जिन का इंतकाल हुआ खसूस हमारे मंसूरी भाई के वाल मरहूम और इश्तिया भाई की अहलिया मरहूमा और इसके अलावा जो जो भी हमारे साथ शरीक हैं और उनके अहल खाना में से किसी का इंतकाल हुआ परवरदिगार इन सब को पेश करते हैं कबुल फरमा और इनकी खबर को जन्नत का बाग बना अल्लाह इनकी ख़बर को तहद नज़र वसी वरीज़ फरमा अय्ला इनके कफन को जन्नती कफन में तब्दील फरमा और नूरमा से इनकी ख़बरों को रोशन फरमा अन सब का हामी और नासिर हो परवरदिगार आदमी सलातम से लेकर ख़यामत तक के जमी मोमिन मोमिनत और मुस्लिम मुस्लिम को पेश करते हैं कबूल फरमा और इसकी बरकतें हमें भी नसीब फरमा और ईसा ब करने वाला बना अज़्ज़तों की गुफ्तु हुई परवरदिगार जो इज़्ज़त अता फ़रमी हैं इस पर तेरा एहसान है ऐ अल्लाह हमें ज़िल्लतों से बचा इलाही हमें तकब्बुर से बचा इमीन ला हमेशा अपनी रहमतों के साए में रख जो नमतें अता की हैं उन पर मोहर लगा दे देमिन हमें नागहानी आफत से बचाओ ज़मीनी आसमानी बलाओं से बचा दर दर की ठोकरों से बचा इलाही हर बुराई से और हर बुरे वक्त से और हर बुरी घड़ी से बचा खैर खैर और ख़ैर अता फ़रमा अल्लाम रबना तो कब्बल मना तस्मी लाड़ी وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا امين